साउंड देना है दादा, अपनी वीडियो वाला ना। और यहाँ से देखिए क्या ऑफरिंग चल रहे है, आगे रहा विशाल। ओ भाई, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो डायरेक्ट नीचे हम लोग, और सामने वो रहा पेपे फॉल्स, क्या खूबसूरत। तो अभी मैं क्रांगसुरी फॉल्स के सामने हूँ, अभी और थोड़ा सा नीचे जाना है, लेकिन यहाँ से पूरा व्यू दिखा रहे, तो पूरा व्यू देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये रहा क्रांगसुरी। सस्पेंशन ब्रिज कुछ ऐसा करके लिखा हुआ था वहाँ पे, और मेरा फुट और बंसी लोग आओ 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 आओ। राइड को एंजॉय करने के लिए बहुत बढ़िया है ये वाला लाइन, जोआई वाला लाइन, दाव की और जोआई ना, सही है। और व्यूज खत्म ही नहीं हो रहा है, छोटा सा वो फॉल्स क्या सुंदर लग रहा है यहाँ, देखिए ना पूरा लाइन में एक एक करके फू फू फू। तो एकदम फुटिया बंगला जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे सीन ये है, गुड मॉर्निंग राइडर्स। तो ये सेकेंड एपिसोड है, तो आज से सेकेंड एपिसोड शुरू होता है, और अभी मैं टेंट के अंदर हूँ, ठीक है। तो सुबह मैंने मॉर्निंग 5 बजे उठा, फिर ब्रशस किया, फिर इधर उधर घूमा, फिर कुछ मैगी वैगी खा लिया, और उसके बाद अभी पैकिंग करेंगे, किया नहीं अभी तक, तो ये सब रेडी करके रखा है, ठीक है। और हम लोगों ने ये लाइफ जैकेट ले लिया दो, देखिए। तो थोड़ी देर बाद हम लोग पानी में उतरने वाले, ठीक है, और अभी नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए कैसे, अभी चेन खोल लिया है, देखिए अभी नज़ारा। ये क्या खूबसूरत है, और वो मॉर्निंग गाइस बिसल। तो अभी कैसा है तेरा पैर वेर, कैसा है? थोड़ा बहुत ठीक है पहले से। तो देखिए बोटिंग नहीं चल रहे, और वो देखिए ब्रिज है, तो थोड़ी देर बाद हम लोग भी जाने वाले वो ब्रिज पे, और उससे पहले हम लोग अभी पानी पे उतरने वाले हैं, ठीक है। और बोटिंग वोटिंग नहीं करेंगे, उमियम लेक पे ही मैंने कुछ ही महीने पहले बोटिंग किया है, तो बोटिंग का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। तो अभी पानी पे डायरेक्ट स्विमिंग करने वाले हैं, आज जल्दी से स्विमिंग कर लेते हैं, और लेट भी हो चुका है हम लोगों का, और अभी गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। कल रात जो क्या तेज़ हवा दे रहा था, सुबह तक दे रहा था, 5 बजे 6 बजे तक पूरा तेज़ हवा दे रहा था। तो टेंट ही टेंट है, वहाँ पर खाने का दुकान सुकान ये सब है, और वो वाला ब्रिज पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास अभी गोप्रो है, और उसका फ़ायदा उठाएंगे, पानी में जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट। चलिए ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, हम लोग का टेंट वो रहा, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, वहाँ आगे थोड़ा सा डीप है ना पानी, तो इसलिए वहाँ से मजा आएगा। और देखिए लाइफ जैकेट पहन लिया है दोनों ने, पिसल वो रहा, पिसल का जोश देखिए, कल गिरा है फिर भी उसका मतलब वो जख्म के साथ ही बोले स्विमिंग करेगा, वो कुछ जुगाड़ करके प्लास्टिक प्लास्टिक पैर पे बांध लिया है। तो मैंने बोला ठीक है, ये इतना दूर आए हो तो कुछ करके ही जाओ, बस बाद में इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अभी स्विम करेगा ना, तो घर पे जाकर थोड़ा सा और एक बार ड्रेसिंग कर लेना, नहीं तो वो जो होता है ना जलता है ना लगाने के बाद, तो और एक बार जाके वो कर लेना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। हम अभी कर लेगा नहाने के बाद। बाय बाय, कल खाना खाते लोग पैसे। और आप लोग गेस करिए लाइफ जैकेट हम लोग को कितने में मिला होगा, 50 रुपीज़ ओनली लाइफ जैकेट, पूरा लाइफ जैकेट 50 रुपीज़ पे ले लो। और ये देखिए तैरते रहो दिन भर यहाँ पे, और ये देखिए बटरफ्लाइज, क्या सही है, स्नोंग पोडोंग ऐसा कुछ है। तो मुझसे अभी भी मतलब मुझसे प्रोनाउंस अच्छे से हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा करके वो लोग का नाम होता है ना, ये मेघालय पे हर जगह का नाम ऐसे कुछ होता है। तो देखिए, और बोटिंग करने वाला लोग फिर से बोटिंग करके, बोटिंग से उतर के फिर से वो लोग लाइफ जैकेट ले रहे हैं, और फिर देखिए पानी में उतर रहे हैं, बोला कि बोटिंग बेकार में कर लिया हम लोग, इससे अच्छा हम लोग बोले लाइफ जैकेट लेके यहीं पर पानी पर तैरता। तो चलिए अभी एंजॉय करते हैं विशाल, अरे वो एक्साइटेड और नॉट, आई एम एक्साइटेड, ही इज वेरी एक्साइटेड, वी कैन सी। और ये मेरे ऊपर ब्रिज देखिए, ठीक है यार, वो आगे में जाके मुझे जंप करना था, लेकिन बहुत सारा पत्थर भी है, क्लीन है भाई, क्लीन तो है लेकिन पत्थर भी है, देखो क्या करोगे तुम तो बताओ। पता है बेटी, तुम्हें
बस अभी यहाँ से जंप करेंगे, जंप करने से पत्थर पे ही गिरूंगा। अरे यार पर है कि जाएगा ना इनके दावा पर। चलिए अभी यहाँ से थोड़ा सा डीप है पानी और यहाँ से तैरेंगे अभी। चलिए गोप्रो का क्या, गोप्रो का हैंडबेल तो गोप्रो का एकदम फायदा उठाएंगे। चलिए ओ वहाँ से क्लिफ जंपिंग भी हो रही है। वाह पानी बहुत ठंडा है रे। ऑलराइट गाइस तो अभी स्विमिंग करने वाले हैं, पकड़ो। रेडी पैर मारो। क्या हो गया भाई? नहीं पाया हम। अभी हम चल के दिखाएगा। मजा बहुत आ रहा है गाइस, मजा बहुत आ रहा है। जल्दी से करना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विशाल रेडी? अरे आजा आजा आजा, कम ऑन कम ऑन। कौन है ये? विशाल। अभी अंडर वाटर दिखाते हैं आपको। ऑलराइट गाइस अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। देखिए पूरा रेडी हूँ और ये रहा पैकिंग वैकिंग, बाकी भी सब हो रहा आगे। ठीक है चलिए जल्दी से चलते हैं। और वेदर भी कुछ ठीक नहीं है, बारिश होने वाला है शायद। चलिए जल्दी से तो अभी ब्रिज पे चढ़ेंगे। वो रहा ब्रिज सामने, रुको मुझे आगे जाने दो। चलिए सस्पेंशन ब्रिज कुछ ऐसा करके लिखा हुआ था वहाँ पे। मेरा फुट्टा और बंसी लोग आओ 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 आ जाओ आ जाओ। विशाल तो बोल रहा था आज की फिर से उसको जाने का मन नहीं है, आज रात यहीं पे रुकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि नहीं जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे जाएंगे फिर। और व्यू देखिए आगे तक क्या सही है। तो गाइस अभी यहाँ से निकलने का पूरा टाइम हो गया है और बीच में एक बार चढ़ने का मन था तो चल लिया, हो गया। और यहाँ से एक बार व्यू देखने का मन था तो देखिए तो हो गया। डायरेक्ट निकलते हैं और कुछ खाना पड़ेगा बाहर, कुछ रेस्टोरेंट या फिर जो भी मिलते हैं जाके कुछ पेल या बाकी कुछ खाना पड़ेगा। बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। और वहाँ पे कुछ प्री वेडिंग शूटिंग नहीं तो या फिर कुछ गाने का शूटिंग चल रहा है, गाने का ही लग रहा है मेरे को। देखिए तो चलिए अभी लोड करते हैं बाइक पे और निकलते हैं। वेदर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी से निकलते यहाँ से। चलो चलो विशाल लोड करो जल्दी। और गाइस तो अभी हम लोग स्नोंगकोडोंग से निकल के आ चुके हैं और अभी जुवाई लाइन पे जा रहे हैं। और जुवाई पहुँचने से पहले बहुत सारा व्यू पॉइंट्स है तो देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, मज़ा आएगा। अभी कॉर्नरिंग के लिए क्या सही रोड है यार, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं घट नहीं है। और विशाल भी बहुत कॉर्नरिंग दे रहा था तो उसका भी 12 बज गया कॉर्नरिंग करते करते। बोल रहा था कि भाई मत करो मत करो, राइड है बहुत दूर जाना है और हम लोग अभी बहुत अंदर आ भी चुके हैं, तो बाई चांस गिर गया ना तो हम लोग का मतलब तेरा ही प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं गिर गया तो मेरे हम लोगों का दोनों का प्रॉब्लम होगा। उसका तो कुछ नहीं हुआ ठीक है और बाइक का कुछ नहीं हुआ, नहीं तो धक्का लगाते हुए क्या करते, कहाँ रखते बाइक को।
थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, तो बंदा अच्छे से चल पा रहा है और बाइक भी चला पा रहे हैं। तो राइडर्स लोग कैसा लगा? अच्छा है ना? तो ये डाउकी से होके जोवाई वाला रोड है, तो आप लोगों को राइडिंग का एंजॉय करना है तो आइए ही रूट पे। राइडिंग के लिए बेस्ट है और व्यू देखिए क्या सही व्यू है। और यहाँ पे खाना वाना चल रहा है क्या? हाँ इसका गाड़ी है, असम का गाड़ी है पूरा। क्या व्यू है यार। ढाबा मिला है, ढाबा एंड रेस्टोरेंट, तो कुछ खा लेते हैं। बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने लंच ही नहीं किया है। 5 बजने वाला है शायद। अभी जोरों से भूख लग रहा है, जल्दी से खा लेते हैं। तो हम लोग खाना पीना खाने के बाद तो अभी हम लोग एक होम स्टे पे रुके हैं। देखिए तो एकदम फूटिया बंगला जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे सीन ये है कि बहुत ज़ोरों से बारिश हुई। हम लोग अभी है क्रांगसुरी फॉल्स के पास, ठीक है। तो ये रहा देखिए, ये रहा क्रांगसुरी फॉल्स और ये रहा हम लोग रिमोट एरिया है, मतलब दूर दूर तक कोई, मतलब बहुत ही यहाँ पे लोग कम है और दुकान वकान भी बहुत कम है यहाँ पे। कल यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा हम लोग को। बाइक आगे अंदर है, खाना वाना पूरा ऑर्डर कर दिया हम लोग, फिर 9 बजे तक खाना वाना पूरा आ जाएगा। फिर खाना वाना खा के हम लोग जल्दी से सोने वाले हैं। यहाँ का मालिक बोला है कि कल 8 बजे तक क्रांगसुरी फॉल्स खुल जाएगा, तो तब हम लोग क्रांगसुरी फॉल्स देख के यहाँ से निकलने वाले हैं। और यह रहा हम लोग का बाइक, यहाँ पे पार्ट है। ये लोग का होम स्टे पे मतलब 1500 ऐसा कुछ बोल रहा था, तो मैंने बोला था बारिश बहुत ज़ोरों से होता है यहाँ पे, तो जस्ट हुआ है इसलिए करंट वरेंट नहीं है। हम लोग बाहर टेंट लगाने वाले थे, बिल्डिंग के ऊपर लगाने वाले थे टेरेस पे, तो लेकिन उन लोगों ने बोला कि रिसेंटली मतलब थोड़ी देर पहले बहुत ज़ोर से बारिश हुआ है, एकदम हवा हवा तेज एकदम ज़ोर से बारिश हुआ था, तो इसलिए उन लोगों ने बोला एक काम करो, हम लोग का एक खाली दुकान है तो उसके अंदर आप लोग टेंट लगा लो, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर टेंट लगा लिया है। बाकी हम लोग का स्लीपिंग बैग्स ये सब है नीचे, मैट्रेस ये सब है, तो टेंशन नहीं है। तो ठंडा नहीं लगना चाहिए ना रात को, ठंड क्यों लगेगा? यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम है, ठंड भी लग रहा है, तो हो जाना चाहिए स्लीपिंग बैग से। पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। अच्छा हम लोगों के लिए फ्री में हो गया, टेंट लाया तो बहुत पैसा बच गया हम लोग, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि टेंट ही कर लेते हैं। 1500 देखे यहाँ पे उतना भी मतलब वो हाई फाई वाला नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने टेंट लगा लिया है। दो टेंट के अंदर ही हम लोग का अच्छा ठीक ही है। 1500 देखे ठीक ठाक वाला रूम दिखाया था, तो नहीं चाहिए हम लोगों को। चलिए अभी खाना वाना ऑर्डर उन लोगों से कर दिया है, और फिर अभी कल 8 बजे को क्रांगसुरी फॉल्स खुलेगा। अगर बारिश होता है तो नहीं खुलेगा बोल लिया है, अगर बारिश वारिश होता है तो ये सब फॉल्स वगैरह में मतलब अलाउ नहीं करते ये लोग जाने के लिए। सहे भगवान कल बारिश ना होना, बारिश नहीं होना चाहिए बस। क्रांगसुरी फॉल्स देखेंगे, उसके बाद और एक दो व्यू पॉइंट्स है वो सब देख के सीधा हम लोग कल डायरेक्ट घर पे, ठीक है। पेन हो रहा है, पेन हो रहा है थोड़ा, इसलिए मैंने बोला था खाओ जब इसका सूखना शुरू होगा तो थोड़ा सा दर्द करेगा। उस दिन तो क्या बोला था, कुछ भी नहीं हुआ है, मामूली है ब्रो, चलेंगे ब्रो। मैंने बोला थोड़ा सा रुको भाई, एक दिन रुको, जब खाओ धीरे धीरे सूखने लगेगा ना तब स्किन थोड़ा सा खींचने लगता है तो दर्द होता है, तभी पेन होता है, तो इसलिए अभी उसका देखिए ठीक से अभी चल नहीं पा रहे है। तो इसीलिए ज़्यादा व्यू पॉइंट्स पे हम लोग नहीं जाएंगे, सीधा जितना जल्दी हो सकता है हम लोग घर पर जाएंगे। यो राइडर्स, तो हम लोग अभी यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, देखिए पूरा लोड वोड कर लिया हम लोग सामान वहाँ, तो रेडी है पूरा निकलने के लिए। विशाल अंदर सामान पैक कर रहे हैं और लोड कर रहे हैं। कल रात को मतलब बहुत करंट वारंट नहीं था तो बहुत अंधेरा था, इसलिए हम लोग जल्दी से खाना वाना खा के डिनर करके सो गए जल्दी से, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और अभी जल्दी जल्दी जाना है हम लोगों को, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है क्रांगसुरी फॉल्स, तो वो वाला देख के सीधा जल्दी जल्दी निकलेंगे यहाँ से, और आगे एक दो ट्राई करेंगे व्यू पॉइंट्स देखने के लिए। तो आज मौसम ठीक है, ना ज़्यादा धूप है और ना बारिश आने वाला ऐसा लगता है, ठीक है, तो मौसम आज ठीक ठाक ही है। तो लग तो नहीं रहा है कि बारिश होने वाला है, तो चलिए तो जल्दी से अभी निकलना है। अभी का टाइम है 8:39, ठीक है, चलिए भी 9:30 से पहले वो वाला व्यू पॉइंट्स देख के आना है हम लोगों को, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। फिर ब्रेकफास्ट नहीं किए,
यहाँ पे, थोड़ा सा आगे जाके हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। जल्दी जाना है आज, एकदम डायरेक्ट घर पहुँचना है, ठीक है। पूरा खाली, पूरा रिमोट एरिया है, ना नेटवर्क अच्छे से मिलते हैं, तो इंटरनेट डाउन है, लेकिन कॉल मैं थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ, लेकिन विशाल का मतलब मुझसे भी बुरा हालत है उसका। फ़ोन नंबर ये रहा, तो अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। मेघालय पे सर्विस बहुत अच्छा देते हैं ये लोग, असम पे तो बहुत जगह पे स्टे किया, लेकिन मेघालय पे हॉस्पिटलिटी बहुत उन लोग का अच्छा होता है, और जो मतलब बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए अच्छा लगता है। कल हम लोग वहाँ ऊपर टेंट लगाने वाले थे, हम लोग यहाँ पे बहुत तेज़ हवा देता है और हवा के साथ ही पूरा बारिश होता है, तो इससे अच्छा आप लोग एक काम करो, हम लोग का ये मकान खाली है, मतलब दुकान खाली है, तो इसके अंदर ही आप लोग सो जाओ, टेंट लगा लो। तो बाकी होम स्टे पे कितना रेट है हम लोगों ने पूछा था, तो 1500 बोला, टेंट लगा के हम लोगों ने 1500 रुपये बचा लिया, और वहाँ पे स्नोपोडिंग पे भी हम लोगों ने स्टे के लिए कुछ भी पैसा नहीं पे किया है। इसे बोलते हैं जुगारू बंडा। विशाल बोल रहे हैं हम लोगों ने तो 2 दिन स्टे किया, साला एक भी पैसा नहीं किया स्टे के नाम पे। टेंट का आइडिया हम लोगों ने किया था, तो फायदे हुआ हम लोगों का। स्नोपोडिंग पे बोला था टेंट पे 1200, और यहाँ पे होम स्टे पे बोला था 1500, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों ने सेविंग्स किए हैं 2700। अच्छा होगा हम लोग के लिए, अभी सीधा जाएंगे तो थोड़ा सा पेट्रोल वेट्रोल डाल के कुछ अच्छा सा खाना वाना खा के जा सकेंगे घर पे। चलिए अभी जल्दी से विशाल को बुलाते हैं, और अभी हम लोग सीधा निकलते हैं यहाँ से बोले ज़्यादा दूर है नहीं, 5 मिनट होगा क्रांगसरी फॉल्स, तो जल्दी देखते हैं, और 8 बजे खोलते हैं क्रांगसरी फॉल्स, अभी तो 8:30 बज गए हैं। चलिए जल्दी से व्यू पॉइंट्स में मिलते हैं आप लोगों से। यो राइडर्स, तो अभी मैं क्रांगसरी फॉल्स के सामने हूँ, अभी और थोड़ा सा नीचे जाना है, लेकिन यहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है, पूरा व्यू देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये रहा क्रांगसरी फॉल्स, देखिए क्या सही लग रहा है, क्या खूबसूरत है। तो अभी हम लोग वहाँ नीचे जाएंगे और पास में से जाके आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं। चलिए वो देखिए वहाँ पे ऊपर से बोटिंग वोटिंग होता है, पानी ऊपर से आ रहा है, और ये रहा फॉल्स, लेट्स गो। आप लोग ये ब्रिज देख रहे हो, पत्थरों से बनाया है ब्रिज, देखिए वहाँ पर कैसे बना है ये ब्रिज, देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर है। वी वेलकम यू टू क्रांगसरी वाटरफॉल्स, लेट्स गो। अब ये यहाँ पे शायद एंट्री फीस कुछ देना पड़ेगा, चलिए थोड़ा सा जाने दीजिए, पानी तक नहीं जाएंगे, चलिए नहीं तो आगे नहीं जाएंगे, इतना दूर आया है सुबह सुबह। तो 50 पर हेड ले लिया है, ठीक है। ये देखिए चिल्ड्रेन 30 और एडल्ट 50 कर गया है। भैया जी तो बोल रहा था कि पानी ज़्यादा है, अभी तो फिलहाल बंद है, कल बारिश हुआ मैंने बोला था ना, तो इसलिए बोला पानी बहुत तेज़ है, तो आप लोग अभी तो जाना मना है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लिया है, चलिए। और ये सीढ़ी वगैरह देखिए ना, पूरा पत्थरों से, मतलब ये सब पत्थर है काट के बनाए ये सब, चलिए अभी मज़ा आने वाला है। और 2 मिनट रुकिए, और जैसा अभी मेरे क्रांगसरी फॉल्स मेरे सामने है, 1 2 3, तो ये रहा क्रांगसरी फॉल्स, बहुत सुंदर। बस अभी यहाँ पे जाना माना है, ब्लॉक करके रखा है रोड, नहीं तो वहाँ पे जाके क्या बढ़िया से रील्स होता यार, क्या सुंदर है, माइंड रिफ्रेश हो गया पूरा। चलिए अभी जल्दी से निकलना है हम लोगों को, और भी बहुत सारा व्यू पॉइंट्स है, जल्दी कवर करना है और जल्दी घर पहुँचना है, लेट्स गो। क्रांगसरी फॉल्स अभी हम लोग नीचे से देख के, और अभी क्रांगसरी फॉल्स का ऊपर वाला व्यू देखिए, चलिए क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। विशाल कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। हम लोग कभी नीचे गड्ढा है, हम लोग अभी नीचे उतर नहीं पाएंगे, ये जूता खोलने खोलने पे 1 साल लग जाएगा, और पहनने पे 2 साल।
अभी नीचे उतरेंगे नहीं, कल स्टॉप ऑटंग पे बहुत सारा पानी है वो सब कर लिया हम लोग अभी, और पानी पे नहीं जाना हम लोग को। देखिए आगे वहाँ पे बोटिंग वोटिंग होता है, देखिए बोट लगा हुआ है, क्या खूबसूरत है। चलिए तो मिल जावा, तो थोड़ा सा ब्रेड एंड ऑमलेट ऑर्डर करिए तो अभी खाते हैं। देखिए पूरा मैं जैकेट वैकेट खोल दिया है, देखिए इतना नीचे था वो, थोड़ा सा स्वेट हो गया, मैं बहुत गर्मी हो गया। तो ब्रेड एंड ऑमलेट खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। टेस्टिंग, ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पेपे फॉल्स की तरफ और विशाल वो रहा, रोड एकदम मस्त, मज़ा आ रहा है और फ्यूल भी अच्छा खासा है, पेट्रोल का कुछ टेंशन नहीं है। ऊपर वाले का मेहरबानी देखिए, धूप निकल चुका है गाइस, तो और भी मस्त, अभी कोई टेंशन नहीं है। बारिश होने से वहाँ पे मतलब अलाउ नहीं करते टूरिस्ट, तो इसलिए अभी धूप आ चुका है गाइस, मज़ा। चले व्यू पॉइंट्स क्लियर करने के बाद जितना बारिश होना है होने दो, बस अभी व्यू पॉइंट्स पे देख लेते हैं और एक दो, उसके बाद जितना बारिश होना है देते रहो देते रहो। विशाल अभी गूगल मैप से देख रहे हैं, पेपे फॉल्स पे जा रहे हैं हम लोग, तो उसको पूछ लेते हैं अभी कितना टाइम और लगेगा। और ये लाइन पे बहुत सारा व्यू पॉइंट्स है, बहुत सारा, 4 to 5 days नहीं तो पूरा 1 week लेके आने पड़ेगा पूरा ये लाइन पे, जुवाई लाइन पे जो है डाउकी टू जुवाई लाइन, तो ये क्लियर करने के लिए हम लोग को पूरा 1 हफ्ता लेके आना पड़ेगा तभी होगा ये। गूगल मैप खोल के देखा मैंने, पूरा एकदम लाइन पे बहुत सारा है, राइट लेफ्ट ऐसे करके बहुत सारा व्यू पॉइंट्स है, और यहाँ पे फॉल्स बहुत सारा, ढेर सारा फॉल्स है यहाँ पे। और पीछे तो हम लोगों ने तो 2-3 छोड़ के आया हूँ, घुसा ही नहीं, क्योंकि क्रांगसुरी फॉल्स थोड़ा सा फेमस है और बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए मैंने वही सिलेक्ट किया। व्यू और रोड आने से कौन किसको खींचने को मन नहीं करेगा। चलिए, क्या व्यू और रोड ने किया था, एक नंबर। राइड को एंजॉय करने के लिए बहुत बढ़िया है ये वाला लाइन, जोआई वाला लाइन, दाउकी और जोआई, सही है। यार व्यू देखो यार, ऐसा लग रहा है कहीं फॉरेन कंट्री पे आ गया हूं। क्या खुला खुला है और व्यूज खत्म ही नहीं हो रहा है, छोटा सा वो फॉल्स क्या सुंदर लग रहा है यहाँ से। ओ भाई, यहाँ पे टेंट वेंट कैंपिंग करने के लिए क्या मस्त जगह है, बस खाना पीने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी मस्त है मस्त। तो यहाँ पे करना पड़ता है गेट पास, समझ लीजिए आप लोग, पार्किंग एंड क्लीनिंग सर्विस फी, तो पर पर्सन 50 करके किराया है, टोटल गया 100। चलिए थोड़ा टाइम और, उसके बाद फेफे फॉल्स, और अभी थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला सीन है, ये तो अच्छा खासा ऑफ रोडिंग हो रहा है। और राइट गाइस, तो अभी यहाँ से ऑफ रोडिंग होने वाला है, और देखिए वहाँ पे छोटा मोटा सा फॉल ही है। KTM लेके मैं कहाँ ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, और जल्दी से अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ये देखिए, ओ भाई लेट्स गो, बाप रे, ये पेपे फॉल्स बहुत अंदर है गाइस, और यहाँ से देखिए क्या ऑफ रोडिंग चल रहा है, आगे रहा विशाल। ओ भाई, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो डायरेक्ट नीचे हम लोग, और सामने वो रहा पेपे फॉल्स, क्या खूबसूरत। चलिए कितना ऊपर है हम लोग, पूरा पहाड़ के ऊपर है पूरा, एकदम धीरे धीरे करके जाना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो हम लोग नीचे डायरेक्ट, मैं ये सच जाता हूँ। चलो चलो पार करते हैं, उठ जाएगा, ब्रेक मारवा नारा। ओ भाई बहुत स्लीपरी है, क्या खतरनाक जगह है।
पूरा ऑफ रोडिंग कर दिया। नीचे जाएगा क्या बाइक? हाँ 10 रुपीज। वेट, ओ मेरे दोस्त आ रहे हैं। ये लाठी लेके जाना पड़ता है साइड, लाठी लेके आ गया बच्चा लोग, तो और भी नीचे जाना पड़ेगा। चलिए मजा आएगा। चला इसका नेकेड बाइक है फिर भी बोले इतना डर लग रहा है इसको। यहाँ से होके पूरा एकदम साइड से देखिए पूरा नीचे जाना पड़ेगा हम लोगों को। सब लोग लाठी ले लिया, अभी जाना पड़ेगा बहुत नीचे जाना पड़ेगा। कोई नहीं पर मज़ा तो आएगा। गाइस तो हम लोग फाइनली नीचे पहुंच चुके हैं और मेरे सामने ये रहा फेफे फॉल्स। ओ माय गॉड क्या सुंदर है यार, चेक दिस आउट, माय गॉड यार पूरा व्यू देखिए। बारिश होने की वजह से मतलब पानी थोड़ा सा गंदा, नहीं तो बोले पानी पूरा ब्लू रहता है। ठीक है और देखिए रील्स के लिए क्या खूबसूरत हो गई ये जगह। और देखिए बारिश होने वाला है तो इसलिए अभी सीधा घर जाएंगे। ठीक है तो थोड़ा थोड़ा गिरने लगा है बारिश, मतलब शिलोंग विलोंग सब कुछ पार करके ओमियम लेक भी पार करके आ चुका हूँ और अभी जोरावट पहुँचने वाला है। और एक राइडर ग्रुप मिल गया, ये लोग आसाम से है, कार्बी आंगलोंग से है। तो भाई लोगों से मिला था मैं वहाँ पे फेफे फॉल्स पे, तो वो लोग हम लोगों से पहले ही निकल गए वहाँ फेफे फॉल्स से। तो फिर आधे रास्ते पे वो लोग को मिला फिर से और विशाल को आगे जाने के लिए बोला है। बंदा बार बार पीछे रह जाता है, एनी टाइम गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं बंदा बार बार पीछे रह जाता है, इसलिए बोला कि तू आगे निकल जा, हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं तेरे पीछे। तो बंदा आगे अभी कहीं पे, चलिए अभी और जोराबाद पहुँचने वाले। क्या सुंदर सा सनसेट हो रहा है, मजा आ गया। ए रॉयल एनफील्ड वाला बंदा क्या रेस लग रहा है हम लोग के साथ, मजाक कर रहे हो क्या ब्रो? सीधे रोड पे तो गलती से भी नहीं, ठीक है। वो रहा विशाल, बंदा धीरे धीरे करके जा रहा है, इसलिए उसको 15 मिनट पहले उसको बोला तू आगे जा, हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। अब भी हम लोग राइट पे जाते ग्रुप में रहने से ज्यादा अच्छा लगता है। वो रॉयल एनफील्ड वाला बंदा भी कुछ कम नहीं है, हम लोग कैसे पूरा कीप अप कर रहे हैं बंदा, अच्छा है। देखिए ना पूरा लाइन में एक एक करके फू फू फू। एक कार्बी आंगलोंग का ये राइडर्स लोग भी कुछ कम नहीं है, लीन करने में वो लोग माहिर है, पूरा लीन कर रहे, वो लोग कॉर्नरिंग कर रहे। तो हम लोग अभी जोरावट पहुंच चुके हैं और अभी ये भाई लोग अभी यहाँ से राइट साइड जाएंगे और हम लोग लेफ्ट साइड गुवाहाटी की तरफ। দিয়া এইটো বন্ধ কৰি লোৱা, বাই বাই, নাইচ টু মিট ইউ গাইজ, যাওঁ চেফ জাৰ্ণি, হা চেফ জাৰ্ণি, হা অঁ 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 ডকুমেণ্ট কৰি দিবা, ঠিক আছে ভালকৈ যাবা, ঠিক আছে ভালকৈ চলাবা, একলগত যাবা। আমি এতিয়া চাগে অলপ চাহ তাহ খাম, চাগে অলপ ৰেষ্ট লওঁ। ইফালে যাব লাইন গাড়ী দি যাব ন, আচ্ছা ঠিক আছে দিয়া। তো ভাই লোক আভি চলা গে আর বিশাল ওর মে আভি থোড়া সা চাই ভাই পিয়েঙ্গে, সাউন্ড দে নাই। আমি অলপ তাতে হোটেলত কিবা খাম চাগে, চাহ তাহ খাবা নেকি, দেরি হব নেকি, হোষ্টেলত থাক লগ পাম। দাদা আপুনি ভিডিও বনায় না, ভিডিওটোৰ নাম কি,
बॉबी जीत 16 अभी रेनकोट को यहाँ यहीं पे दे देते हैं, गर्मी लग रहा है अभी गुवाहाटी पहुँचने के बाद, अभी थोड़ा सा हवा खा के जाएंगे। अच्छा कौन रोक बिको, यही से शुरू किया था तो यही से ब्रेकफास्ट वेकफास्ट खा के शुरू किया था राइड, और यहीं पे आके अभी घर पे जा रहा हूँ। हाँ चलिए अभी कुछ खा लेते। ऑलराइट गाइस, तो मैं फाइनली घर पहुँच चुका हूँ, नहा धो के मैं फिर बैठ गया हूँ, अभी रेस्ट करने वाला हूँ। और मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो एकदम पहले तो बोर लग रहा था जब मैं घर से निकला था, दोनों जा रहे थे ऐसे मूड डाउन हो गया था, लेकिन थोड़ा सा मेघालय एंटर करते ही मेघालय वाला रोज मिला तो बहुत अच्छा लगा। और क्या हुआ, विशाल गिर गया तो मूच और डाउन हो गया मेरा, फिर ऐसा जगह अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन। टेंट लेके जाके हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, 14-15 हम लोगों ने स्टे किया, तो स्टे करने का हम लोगों को कुछ भी पैसा नहीं लगा, तो टेंट लेके जाने का ही फायदा है, ठीक है। और बहुत बढ़िया हुआ हम लोग स्ट्रॉन्ग पोडेंग पे जाके, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया पानी पे। तो विशाल और मैं सोच रहा हूँ कि फिर से कभी वहाँ पे जाएंगे फिर से, ठीक है। तो इस बार वो मेरे भैया भी जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए, तो भैया को भी लेके जाएंगे और देखते हैं दोस्त और कौन जाएगा। तो बेस्ट थे वहाँ पे पानी पे एंजॉय करने के लिए, बोटिंग वोटिंग कुछ काम का नहीं है, 50 रुपये का लाइफ जैकेट ले लो और पूरा पानी में तैरते रहो, इतना बड़ा रिवर है, नो लिमिट, बस आप लोग लाइफ जैकेट अच्छे से टाइट करके लगा लेना, फिर पूरा पानी में एंजॉय कीजिए, खाना पीना सब मिल। तो दाउकी जगह, दाउकी से और 10 किलोमीटर आगे ऐसा कुछ होता है, 8 नहीं तो 10 किलोमीटर आगे होता है ये स्ट्रॉन्ग पोडेंग, तो आप लोग गूगल मैप पे सर्च करने से आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगा। तो बेस्ट लगा मुझे स्ट्रॉन्ग पोडेंग, बाकी सब तो व्यू पॉइंट्स पे बहुत ट्रैकिंग करना पड़ता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पोडेंग पे अच्छा खासा पार्किंग है, आपका बाइक 2-3 दिन 1 हफ्ता भी रहे आपका बाइक पूरा सही सलामत रखेगा वो लोग। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, और अभी मैं आज रेस्ट करने वाला हूँ और कल से पूरा वीडियो एडिटिंग करेंगे। और असम पे अभी भी बिहू चल रहा है, और कौन कौन बिहू देखने गए हैं कमेंट करो, और आप लोगों का बिहू कैसा गया कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग से, और ये वाला ब्लॉग एडिट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो जितना जल्दी एडिट होगा तो मैं अपलोड कर देने वाला हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन टेक केयर, टाटा सी, बाय बाय गाइस।